हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल जीनियस वर्ल्ड में। तो जैसे कि आप लोगों को मैं टीम देने वाला हूँ पीएसएल की, इंडिया के आप लोगों को मैं दे चुका हूँ, और वहीं यहाँ पे वेस्ट इंडीज की काफ़ी अच्छी टीम रही। वी होप वी जीत जाएंगे हम लोग। गेंद ने अच्छा प्रदर्शन किया आज, बहुत अच्छा। कुछ गलतियाँ रही है हमारी टीम में भी, होप जीत जाएंगे। बस एक लिए मैं पीछूँ, वहीं इनकी टीम बेकार जा रही है अभी पीछे हो। तो मैं पीएसएल के देता हूँ। मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि आखिर कप्तान किसको बनाऊँ, क्योंकि बहुत क्रेडिट इशू हो रहा है इसमें, जिसको अब चार है वो नहीं हो रहा है। विकेट कीपर में आपके लिए दोनों बेस्ट ऑप्शन है, आप लोग जिसके साथ जाना चाहते उसके साथ जा सकते हैं। अगर आप कमरान अकमल के साथ जाएँ तो वहीं आप इरफान की जगह वहाब रियाज को एडजस्ट करके अच्छी टीम बना सकते हैं। वहाब रियाज अच्छा करेंगे, ऐसा प्रदर्शन होगा। लेकिन मेरा मन है कि उनको ड्रॉप ना किया जाए, क्योंकि कंटिन्यूसली रन मार के दे रहे हैं संकारा, और हमारे फेवरेट भी है। तो इसीलिए उनके पास कमरान अकमल से ज़्यादा पेशेंस है, इसीलिए मैं उनको लूँगा। और वहीं तमीम अकबर आज नहीं खेलेंगे, पीएसएल से आउट हो चुके हैं अपने बांग्लादेश ट्राई सीरीज खेलने के लिए, इंडिया के खिलाफ जो, और श्रीलंका के खिलाफ। और वहीं अहमद सज्जाद को मैंने लिया, हफीज को और मकसूद को। वहीं तीन ऑलराउंडर सोएब मलिक, ड्वेन स्मिथ और लियान डॉसन, आप लोगों ने पिछला मैच देखा, अच्छा किया इन्होंने प्रदर्शन बॉल के साथ। हसन अली, आप लोगों के तो सभी के फेवरेट होंगे, हसन अली पाकिस्तान बॉलरों से ही फेवरेट है सबका, लगातार अच्छे खेल के दिए ये और फखर जमान पूरे चैम्पियन ट्रॉफी में। और ये आप लोग टीम देख सकते हैं, इरफान को मैंने लिया क्योंकि क्रेडिट आधा चाहिए वहाँ पे आज को लेने के लिए, तो इसीलिए मैंने इरफान को लिया। कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना ही होगा, अगर आप हर चीज़ चाहेंगे तो नहीं हो पाएगी। तो वहीं मैंने संकारा को कप्तान बनाया, बी सी ड्वेन स्मिथ को। अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे हफीज को भी बी सी बना सकते हैं, मेरा प्रिडिक्शन है कि ये भी चलेंगे, या फिर सोएब मलिक, ये भी कंटिन्यूसली 30+ मार के दे रहे हर मैच में, या फिर आप कप्तान इनको रख सकते हैं लियान डॉसन को, क्योंकि ये बहुत कम के पास है। तो इनको टीम में रखना, मेरा मानना है टीम में रखना बहुत होगा, क्योंकि बहुत कम लिए हैं, तो कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे पास रहेंगे, किसी और के पास नहीं, तो ये भी अच्छी ऑप्शन होगी। अगर कप्तान लेके जाते अगर फेल हुए तो हमारी टीम में भी बर्बाद हुआ और हमारे कप्तान भी बर्बाद होंगे, तो इसीलिए मैंने संकारा को कप्तान रखना सही समझा, अभी इसी ड्वेन स्मिथ को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिच फिर से वही दुबई आ गई है, जहाँ पर जो रुक के खेलेगा वही रन मारता है, स्टार्टिंग में फास्ट मदद मिलती है और स्पिन को भी, दोनों के लिए पिच अच्छी है, बैटर के लिए और बॉलर के लिए। और हसन अली आई थिंक 2+ विकेट लेंगे, इमरान ताहिर को ड्रॉप आप लोग नहीं कर सकते, आप लोगों को पता ही है। देखिए विकेट कीपर में आप लोगों को अगर पसंद है कमरान अकमल तो उसके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि संकारा को रखना बेस्ट होगा। लेकिन आप अपने प्रिडिक्शन से भी खेल सकते हैं, मेरी बातों को पूरा सुन के, बी सी हफीज को भी रख सकते हैं और सोएब मलिक को भी। अगर सोएब मलिक को ना भी रखे आप तो हफीज को रख सकते हैं, या फिर कप्तान सोएब मलिक और बी सी हफीज को भी रख सकते हैं। बाकी मेरी टीम यही है, बाकी जितनी बात मैंने आप लोगों को बताया तो उससे आप अपनी बेस्ट टीम बना सकते हैं और जीत सकते हैं ज़्यादा। तो ये मैच काफ़ी कन्फ्यूज होने वाली है सभी के पास, अगर किसी के पास ये बॉलर है तो वो बॉलर नहीं होगा, इमरान ताहिर किसी के पास है तो हसन अली नहीं होगा, हसन अली है तो फिर रियाज नहीं होगा। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत के बाद टीम बनाई, रेट इशू बहुत हो रहा है, तो आप लोग हमारी टीम को देख लीजिए, एडजस्ट कर सकते हैं आप ही लोग। ठीक है, शुक्रिया दोस्तों।